हेलो एवरीवन, सो सी यू टी द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सो आज अपन इसके बारे में कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या आपका गला घोट रही है, क्या आपके गले को काट रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्या इसका प्लेसमेंट, कब ये स्टार्ट हुई थी, क्या है ये प्राइवेट कॉलेज, के कौन कौन से हैं इसके पास अप्रूवल, कितना इसका प्लेसमेंट होता है, क्या सारा सीन है, होनेस्ट रिव्यू होने वाला है, टॉप इसका रिव्यू होने वाला है। मेरे जो वीडियोस होते हैं ना यार, बाकियों की तरह होते नहीं है, एकदम गेम चेंजिंग वीडियो होते हैं, ठैं गेम चेंज मिर्जापुर स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। सो अपन बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस इज सिचुएट स्टार्टेड इन 2011, 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ था। दिस इज एन प्राइवेट टाइप कॉलेज, प्राइवेट बॉडी, एंड दिस इज रिकॉग्नाइज बाई UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। टोटली इसके अंदर अपन बात करें तो 13 इसके अंदर स्कूल्स आते हैं, एंड डिपार्टमेंट अगर अपन बात करें तो 19 डिपार्टमेंट आते हैं। तो स्कूल का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग की भाषा के अंदर, इनकी लैंग्वेज के अंदर, उनको हम स्पेशली स्कूल मान लेते हैं। जैसे इंजीनियरिंग आ गया, जैसे फार्मेसी आ गया, जैसे स्पेशल कोर्सेस आ गए, तो उसको हम स्कूल जैसे लाइक डिवाइड कर देते हैं। एंड अब अपन बात करते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है भैया, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एक नज़र इस पर भी डाल दी जाए। तो कंप्यूटर मोदी, ले चलिए हमें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। सर अगर अपन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, सो जो है ऑलमोस्ट गुड कंडीशंस आर अवेलेबल, एंड ऑलमोस्ट ठीक ठाक, मतलब जस्ट नॉट एक्सीलेंट, नॉट गुड, लेकिन गुड कंडीशन रिश। बेसिकली आपने देखा होगा वेबसाइट वगैरह पे कि हमारे यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, सो दिस इज ओके। और अगर नॉर्मली अगर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें दैन दिस इज़ नॉर्मल। सो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास रिव्यूज़ आए हैं, फीडबैक की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या फीडबैक आई है। सो स्टूडेंट्स इज टोल्ड मी कि नॉट सो गुड, ठीक है, एंड नो वाईफाई, नो एयर कंडीशनिंग, क्लासरूम आर वेरी बैड, एंड नॉट सो गुड फर्नीचर, फीस आर वेरी हाई, एंड नो सर्विस आर गिवन, एंड जस्ट लाइक जो है इवन आफ्टर द लेक्चर्स स्टूडेंट डोंट गेट टू एन्जॉय प्रॉपर कैंपस लाइफ, एंड इट इज कन्फाइंड एंड ओनली 2 ब्लॉक्स विदाउट एनी प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन, राइट। यार आई थिंक अभी प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, पता नहीं किसने लिख के भेजा है कि वाईफाई नहीं है। और अगर कॉलेज वालों सच में वाईफाई नहीं है तो तुमको समझना चाहिए, आजकल तुम जितना प्लेसमेंट नहीं कराते हो ना, उतने ज़्यादा बच्चे पैसे तो बच्चे रील्स वीडियोज़ बना के कमा लेते हैं, राइट। सो डिग्री का थोड़ा तुम ध्यान रखो। एक टिकटॉकर आज जो है इंजीनियरिंग किए हुए, BSc जिसने कर रखी है, BTech जिसने कर रखी है, उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। टिकटॉकर की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, तो क्या काम की तुम्हारी डिग्रियाँ, राइट। हॉस्टल की अगर अपन बातें करें तो हॉस्टल इज वेरी बैड, द क्वालिटी फूड इज वेरी ब्रस्ट, वेरी बकवास, एंड जस्ट लाइक स्नैक्स एंड फूड इज फाउंड इन कैंटीन ओनली, राइट। एंड अगर अपन इनके जस्ट फैकल्टी की बात करें तो जस्ट लाइक सम टीचर्स आर नॉट एक्सपीरियंस एंड हार्डली टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग, एंड जस्ट लाइक जो है एक टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 3-3, 4 सब्जेक्ट टीचर एक पढ़ा रहा है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम, टीचर्स कम्प्लीट देयर सिलेबस 1 डे बिफोर एग्जाम, एंड दे डोंट इवन आस्क टू रिलेवेंट क्वेश्चन इन एग्जाम विच दे ट्यूट इन द क्लास, एंड जस्ट नॉट सपोर्टिव फॉर द स्टूडेंट्स, द फैकल्टी आर गुड, वेल एजुकेटेड एंड फ्रेंडली टाइप, आप समझ सकते हो, एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं, ठीक है। एंड अगर अपन इसके बात करें कोर्स करिकुलम की, तो कोर्स करिकुलम इज प्रोवाइडेड बाई डिपार्टमेंट रेलिवेंट, एंड दिस इज ओनली फॉर बकवास पर्पज है, दिस इज रजिस्टर्ड एट ऑफिशियल वेबसाइट। रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स ने जो है मेरे को फीडबैक बहुत ही गलत दिया है, हो सकता है ये जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया वो स्टूडेंट ही गलत हो, लेकिन सारे स्टूडेंट इज नॉट रॉन्ग, राइट। अगर अपन इसके इम्प्रूवमेंट की बात करें तो 2018 में इसकी कुछ कंडीशंस अलग थी, 2022 तक आते आते थोड़ा थोड़ा अपने आप को कॉलेज इम्प्रूवमेंट कर रहा है, हालांकि जिस प्रकार से इसका नाम है, ठीक है, तो वैसा ही करता लगता रहा मुझे ये, ठीक है। एंड आप इसके नाम का ज़रूर फोकस डालिए, क्या नाम है इसका, राइट, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गला घोटने वाला यूनिवर्सिटी, राइट। तो एक फ़ीस का बड़ा इशू था कि भैया फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कैंपस इज वेरी स्मॉल, 2-4 बिल्डिंगें वहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स को कोई मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड एंड कैंपस हैज मेनी ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठे रहो तुम, एंड जो है कुछ बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, आप वेबसाइट पे देख सकते हो, आई थिंक 44 LPA का प्लेसमेंट गया है, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एंड
कुछ स्टूडेंट ने अच्छा फीडबैक भी दिया है, एंड जो लोएस्ट पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज भी विजिट करती है, जैसे TCS है, कॉन्जिक्वेंट है, HCL है, विप्रो है, इन्फोसिस है, एंड मैनी मैनी अदर, एंड द टॉप रोल्स ऑफर्ड अवार्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, इथिकल हैकर, ETC. एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो यार 2 से 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे जाता है। दिस इज ओनली फॉर NCSE स्टूडेंट्स, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न था कि भैया दिस कॉलेज इज बेस्ट फॉर वो स्टूडेंट्स परस्यूइंग बी टेक इन जस्ट लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ECE, एंड उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन बेसिकली अपन नॉन टेक्निकल जो ब्रांचेज होती है उनकी कंडीशन इज वेरी बैड, एंड ओवरऑल अगर अपन इस कॉलेज को रेटिंग दें देन अपन जो है इसको 10 out of 4 मार्क्स देंगे। एंड दिस इज एन प्राइवेट टाइप कॉलेज एंड फीस इसकी बहुत हाई है। फीस लेने के बाद जो है स्टूडेंट्स के साथ गलत बर्ताव किया जाता है। फीस लेने से पहले एडमिशन के टाइम पे बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही फीस आ गई ये तो हमारा ही हो गया मुर्गा, ठीक है, तो फिर उसको चारा पानी डालना बंद कर देते हैं। ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेज वालों का होता है। जो है फीस लेने के बाद जो है उनकी सुनवाई बहुत कम कर दी जाती है, भैया सर ये करना है वो करना, हाँ हो जाएगा, ठीक है, हवाओं में रखते हैं बेसिकली। तो ये सारा सीन है, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। ओवरऑल अगर अपन CSE वाले जो भी बंदे होते हैं उनकी एंड प्लेसमेंट की बात करें तो जो है 60-70% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं। और बेसिकली कॉलेजों की अगर मैं बात करूँ तो यार कॉलेजों में जनरली जो है लायक है ही नहीं बच्चे पढ़ाई करने के, ठीक है, प्लेसमेंट के लायक ही नहीं है, क्योंकि स्कूलों के अंदर बच्चे तब तक जो है मेच्योर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मार्क्स आते हैं जब तक जो है टीचर उनके पीछे बड़ा सा डंडा लेके चलता है, पेरेंट्स डंडा लेके चलते हैं। लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग वाले दिस इज आउट ऑफ होम, तो वो क्या करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, हॉस्टल में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, दिस इज अन रेलिवेंट, एंड जो है इसी के कारण वो कुछ सीखते नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं है, और इस कारण वो जो है लायक ही नहीं है एक्चुअल में प्लेसमेंट के किसी भी जॉब के या फिर किसी भी स्किल के। इस कारण जो है रियल के अंदर प्लेसमेंट के लायक भी नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि बैक बेंचर का प्लेसमेंट नहीं होता, एवरेज स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ करीम स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। राइट यार, एक बात मैं आपको दिल से बता दूं, मेरे का इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, राइट, इंडस्ट्री आप उसी को लेगी जिससे उसको कुछ फ़ायदा होगा। जो करीम स्टूडेंट होते हैं वो कुछ पढ़ते हैं, उनको कुछ नॉलेज है, उसी से इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, देन आपको सैलरी पे कर पाएंगे, स्टार्टअप्स है, इंडस्ट्री है, देन दिस इज़ नॉलेजेबल, ठीक है। तो आप खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और आप ऐसे कॉलेजों के अंदर विजिट करिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता देन यू कैन लेफ्ट द कॉलेज एंड सर्चिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप एक अच्छे बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉलेज हमारी टीम सजेस्ट कर सकती है और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।